छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह समय नहीं है, हमारा समाज अभी भी उस मानसिक स्थिति तक नहीं पहुंचा है जिसमें देश के सभी नागरिक अपनी पारंपरिक प्रथाओं को छोड़ दें और कानून और खुद को एक कानून में बांध ले। ये समय नहीं है, अभी हमारा समाज उस मनस्थिति में नहीं पहुंचा है कि सारे देश के सारे नागरिक अपनी पारंपरिक प्रथाओं को और कानूनों को छोड़ के एक किसी कानून में बंध जाए। मैंने पहले भी कहा था कि विवेकानंद जी ने एक धारणा उनकी थी कि एक वैश्विक धर्म होना चाहिए, मानव धर्म, मानव मूल्यों के आधार पर एक वैश्विक धर्म होना चाहिए, लेकिन मानव अभी तैयार नहीं है। ये 20वीं सदी की शुरुआत में विवेकानंद जी ने कहा, वो तो चले गए, हम लोग को छोड़ के चले गए, बहुत जल्दी चले गए, और आज 100 साल से ऊपर हो गए हैं। धर्म के नाम पे आप देखिए क्या स्थिति, क्या विश्व में ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, अन्य धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ताओ चाइना में अलग प्रथाएं हैं, सब मिलके हम एक धर्म बनाने को तैयार हैं? नहीं है। वही स्थिति यूसीसी की है जिसपे गोलवलकर जी का भी हवाला देते हुए कपिल सिब्बल जी ने एक कार्यक्रम में टीवी का देख रहा था, उन्होंने कहा था कि स्वयं गोलवलकर जी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये राय व्यक्त की थी कि यूसीसी नहीं होना चाहिए, हमारे देश में भिन्नता है, हमको उस भिन्नता को बरकरार रखना चाहिए और उस भिन्नता में सौहार्द निर्मित करना चाहिए। ये है, ये होना चाहिए कि अलग अलग समाज हैं, अलग अलग प्रथाएं हैं, उसको वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। आदिवासी समाज है, हम लोग उनके बीच में रहते हैं, उनकी अनेकों प्रथाएं हैं जो सिविल कोड है उससे भिन्न है, आप उनको कैसे कहिएगा कि छोड़ दीजिए। एक पेशा नियम पे तो आप देखें कि उनकी प्रतिक्रिया कितनी तीव्र आती है, तो ये तो उनकी सदियों की परंपराएं हैं, उनको आप एक तरह से कैसे ध्वस्त कर देंगे। सिख समाज है, उनकी अलग प्रथाएं हैं, अन्य समाज है, उनकी अलग प्रथाएं हैं, मुस्लिम समाज है, उनकी अलग प्रथाएं हैं, तो प्रयास ये है कि फिर हिंदू मुस्लिम कराओ। वो यूसीसी से उनको मतलब नहीं है, पोलराइजेशन कराओ कि हमको शायद फिर से वोट यूसीसी के नाम पे मिल जाएंगे। अब की वो बात नहीं होने वाली है क्योंकि ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, अनेकों धर्म है जो आज तैयार नहीं है, कल हो सकते हैं, 5 साल बाद हो सकते हैं, 50 साल बाद हो सकते हैं, 100 साल बाद हो सकते हैं। विवेकानंद जी ने एक वैश्विक धर्म की परिकल्पना की, तो जब वो स्थिति आएगी तब वैसा हो सके, बहुत अच्छा होगा। अभी बिल्कुल मेरी राय में देश और देश के नागरिक संपूर्णता में तैयार नहीं, कुछ लोग हो सकते हैं, एक बड़ी संख्या के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन सब हैं अभी समय नहीं आया।